श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में है, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से दो चार आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि चार अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज, और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, आप सभी का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, माघ मास का आरंभ हो गया है और जो चतुर्थी पड़ने वाली है वह बड़ी चतुर्थियों में से एक है, जिसे तिल चौथ, संकटा चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम संकष्टि चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। चतुर्थी का व्रत माताएं बहनें संतान की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। इस वर्ष 2024 में बड़ी वाली चतुर्थी 29 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है, मतलब कि 29 जनवरी को ही चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और रात्रि में चंद्रोदय का समय 9:10 बताया गया है, मतलब कि चंद्र दर्शन 9:10 पर ही होंगे। दोस्तों, वीडियो में एक उपाय बताया गया है गुरुजी द्वारा जो आप चतुर्थी पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप शाम के समय चतुर्थी का पूजन करती हैं तो पूजन में गेहूं के दाने या चावल के दाने जो साबुत होते हैं वह रखे जाते हैं। तो यदि आपने गेहूं के दाने रखे हैं तो उन गेहूं के दानों का बहुत विशेष महत्व है। इसका उपयोग यदि आपका कोई काम अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, या आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं वह कार्य शुभ हो, तो इन गेहूं के दानों का विशेष महत्व होता है। जो माताएं बहनें चतुर्थी का व्रत रखती हैं वह पूजन के बाद गेहूं के कुछ दाने उठा लें। केवल और केवल वह माताएं बहनें ही गेहूं के दाने उठा सकती हैं जो व्रत व पूजन कर रही हैं। 4-6 गेहूं के दाने उठा लें और उस व्यक्ति को दे दें जो किसी अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए जा रहा हो या किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो, या फिर आप उसकी जेब में भी वह 4-6 गेहूं के दाने रख सकती हैं। लेकिन आपको एक विशेष बात का यह ध्यान देना है, आप वह गेहूं के दाने केवल और केवल अपने कुल के व्यक्तियों को ही दे सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को आपको वह गेहूं के दाने नहीं देना है, केवल और केवल अपने परिवार के व्यक्तियों को ही वह गेहूं के दाने देना है। वह गेहूं के दानों का इतना विशेष महत्व होता है कि अगली चतुर्थी तक आने तक आपका कार्य सफल हो जाता है, आपकी कार्य सिद्धि होती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह उपाय समझ आ गया होगा। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।